नीति और इसके क्रियान्वयन की नीयत साफ हो तो परिणाम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में बिछ रहे उद्योगों के संजाल के रूप में दिखते हैं। दशकों तक उद्योगों की बाट जोता रहा गीडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग मित्रवत नीतियों से 2017 के बाद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों का पसंदीदा क्षेत्र बन चुका है। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह का आकलन करें तो गीडा ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 88.5 एकड़ करीब 3,58,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन कर 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। इस भारी भरकम निवेश से करीब 5,200 लोगों को रोजगार मिलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। बीते 6 माह में गीडा ने जिन निवेशकों को भूमि का आवंटन किया है उनमें सबसे प्रमुख पैकेज्ड पेय पदार्थ बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनी पेप्सिको की बॉटलिंग यूनिट लगाने वाली फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। इस कंपनी को गीडा की तरफ से सेक्टर 27 में 1,77,310 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया गया है। पेप्सिको की फ्रेंचाइजी की तरफ से बॉटलिंग प्लांट के लिए 1,071.28 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस प्लांट में करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह गीडा के सेक्टर 26 में मेसर्स कियान डिस्टिलरीज को 79,441 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया है। कियान की तरफ से 702 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और इसकी इकाई में 1,000 लोग रोजगाररत होंगे। इसी सेक्टर में मेसर्स सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 118.3 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 20,067.37 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया गया है। सीपी मिल्क की इकाई में भी 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गीडा सेक्टर 26 में ही मेसर्स तत्वा प्लास्टिक्स पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड को 22,062 वर्ग मीटर तथा मेसर्स क्वार्टर्स ओवल वेयर प्राइवेट लिमिटेड को 20,067.37 व मेसर्स आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड को भी 20,067.37 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। इन तीनों उद्योगों में क्रमशः 102.3 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तथा 20 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इनके जरिए क्रमशः 110, 410 और 400 लोगों को रोजगार मिलना सुनिश्चित होगा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल बताते हैं कि निवेशकों के अतिरिक्त गीडा की तरफ से रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए 40 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 32,500 वर्ग मीटर है। यही नहीं, उद्योगों के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए गीडा ने बुधवार 28 सितंबर को पुनः कुल 35 एकड़ क्षेत्रफल वाले 64 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन हेतु विज्ञापन जारी किया है। अलग अलग सेक्टर में 510 वर्ग मीटर से लेकर 17,500 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले अलग अलग इन भूखंडों के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा। गीडा की मंशा है कि इसी वर्ष के अंत तक इन भूखंडों का भी आवंटन कर दिया जाए ताकि औद्योगिक विकास की गति तीव्रतम हो सके। तेजी से बदल रहे औद्योगिक परिदृश्य के बीच गीडा की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पीएम गति शक्ति से 177 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार की पहल पर सहायता राशि को लेकर भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से मोहर भी लगाई जा चुकी है। गीडा द्वारा गारमेंट पार्क को सम्मिलित करते हुए भीटी रावत औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 26 के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना तैयार की गई है। इसके लिए पीएम गति शक्ति से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 70 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी मिली है। इसी तरह 100 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भगवानपुर नरकटहा के लिए 80 करोड़ रुपए तथा 59.58 करोड़ रुपए के प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट हेतु 12 करोड़ रुपए की सहायता चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई है। रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने के लिए बनने जा रहे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ तथा गीडा में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ रुपए को सहायता पीएम गति शक्ति से मिलेगी।